हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? हम सब तो बिल्कुल ठीक है। आशा करते हैं आप भी परिवार से ठीक होंगे। परमपिता परमात्मा आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी कर दे और आपके घरों में खुशियाँ ही खुशियाँ आए। तो जी, आज है सैटरडे, मेरे बेटे की छुट्टी है, तो मैं उसके लिए अब आलू की टिक्की बना रही हूँ। ये देखिए, एक कटोरी पोहा लिया मैंने। ये देखिए, इसको भिगो के और 10 मिनट पहले भिगो दिया था। और ये दो आलू लिए थे, उसमें मैंने काला नमक और ये मेरा पिसा हुआ मसाला, ये ख़त्म हो गया। काला नमक और ये मेरा पिसा हुआ मसाला मिला लिया। ये देखिए, कढ़ाई में सेक दी मैंने। दो आलू थे, एक कटोरी पोहा और ये पिसा हुआ मेरा मसाला जिसमें सब चीज़ पीस रखी है मिला के। ये मेरा पिसा हुआ मसाला और काला नमक मिला के मैंने सेक रही हूँ। ये इमली भिगो रखी है, इमली की मीठी चटनी बनाऊंगी। ये इमली भिगोई थी मैंने, इमली भिगो के और मैंने गुठली तो अलग कर दी थी और मिक्सी में इसको पीस दिया, पीस के छान लिया। और अब ये गुड़ डालूंगी। ये देखिए, ये गुड़ मैंने मेरठ से मंगाया था, कई तरह का। ये देखिए, ये गुड़ डाल रही हूँ अब इसमें। अब इसको पका लेंगे। काला नमक डाल दिया है इसमें, काला नमक डाला है, थोड़ा सा वो मसाला जो बना रखा है ये डाला, ये वाला मसाला जो बना रखा है ना ये डाला है थोड़ा सा। और ये देखो सूखने लग रही है। ठीक है, कढ़ाई में ना सुबह पूरी उतारी थी तो ये चिकनी थी, मैंने इसी में बना दी, तवे का नहीं बनाई। ये चटनी है मीठी चटनी, हरी तो मैंने बनाई थी, मीठी चटनी जी दही है, इसमें काला नमक डाला है खाली और थोड़ी सी खांड डाली, एक चम्मच से भी कम खांड डाली है और आधी चम्मच काला नमक, ये मेरा दही है। दो आलू थे और एक कटोरी पोहा, उसकी ये 8-10 टिक्की बन गई है। ये दही है, ये प्याज काट रखी है मैंने और ये एप्पल, अनार भी डाल सकते हो और ये थोड़ी सी भुजिया डालूँगी हल्दीराम वाली, और ये चटनी बन रही है। एक प्लेट तैयार करके दिखाती हूँ अभी आपको। ये देखिए, ये टिक्की है, अब इस पे डालेंगे दही, दही डाल दिया है, अब इस पे डालेंगे ये एप्पल कटे हुए, बारीक काट लिए थे मैंने, फिर भी थोड़ा प्याज डालेंगे, अनार भी डाल सकते हो। तो इसमें देखिए, थोड़ी सी नमकीन डालेंगे। ये देखिए, ये सब चीज़ डाल दिए, टिक्की डाली, उसके बाद दही डाला, उसके बाद ये एप्पल डाले कटे हुए, ये प्याज और थोड़ी सी नमकीन। अब सौंठ वाली चटनी, ये सौंठ वाली चटनी, हरी चटनी मैंने, आलू पोहा टिक्की। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।